ऑस्ट्रेलिया ईसाई दुनिया का वाहिद तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसमें प्राइमरी के बाद लड़कियों के स्कूल अलग हो जाते हैं। ये गैर हुनरमंद लोगों को मुल्क में घुसने नहीं देते। अलबत्ता अगर आप आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया में खुश आमदेद कहा जाए। सऊदी अरब में हर साल हज के मौके पर कुर्बानी के लिए सबसे ज़्यादा जानवर ऑस्ट्रेलिया ही एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स भी ऑस्ट्रेलिया में ही तैयार की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ जावेद कमर। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे दुनिया के छठे बड़े तरीन कंट्री जिसका 90% रकबा बेआबाद है। तो ये मसीही कंट्री, लेकिन बैतुल्ला में हर साल हज के मौके पर सबसे ज़्यादा कुर्बानी का जानवर यहीं से जाता है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। 17वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया के शुमाल से आने वाले माहीगीरों और यूरोपी मोहमजुओं ने इस खत्ते में आना शुरू कर दिया था। 1770 में मशरकी ऑस्ट्रेलिया के निस हिस्से पर बरतानिया ने भी क्लेम कर दिया था। 19वीं सदी तक नए इलाके दरियाफ़ होते गए और आबादी बढ़ती गई। तब 7 नए दरियाफ़ शुदा इलाक़ों पर मुश्तमिल 5 नई कॉलोनियाँ बना दी गईं। दोस्तों, 1 जनवरी 1901 को टोटल 6 कॉलोनियों ने मिलकर एक फेडरेशन बनाई और इस तरह दौलत मुश्तरका ऑस्ट्रेलिया वजूद में आई। ऑस्ट्रेलिया में मोतदिल जमहूरी व सियासी निज़ाम मौजूद है और ये मेन लैंड के दारुल हुकूमत सिडनी, ब्रिसबेन, पर्थ और एडलेड में फैला हुआ है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के हमसाया ममालिक में इंडोनेशिया, मशरकी तैमूर, न्यूजीलैंड के अलावा कई छोटे बड़े जज़ायर शामिल हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का मरकज़ी हिस्सा 42,000 साल से कदीमी ऑस्ट्रेलियन लोगों से आबाद है। ऑस्ट्रेलिया की सरकारी ज़ुबान इंग्लिश है और इसका लहजा मखसूस ऑस्ट्रेलवी होता है। दोस्तों, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का लिटरेसी रेट 99% है। स्कूल 12 जमातों तक होते हैं, इसके बाद तालिब इल्म यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ईसाई दुनिया का वाहिद तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसमें प्राइमरी के बाद लड़कियों के स्कूल अलग हो जाते हैं। यहाँ को एजुकेशन के अलावा अगर वालदेन चाहें तो अपनी लड़कियों को अलहदा गर्ल्स स्कूल में तालीम दिलवा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक खुशहाल और मगरबी अंदाज की मईशत रखने वाला मुल्क है। इसकी फीकस आमदनी बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस से ज़्यादा है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का कुल रकबा 70,41,220 मुरबा किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया जानता है कि मुल्कों को सिर्फ रकबा दरकार नहीं होता, इन्हें वसाइल भी चाहिए होते हैं। चुनांचे ये इमिग्रेशन के मामले में बहुत सख्त होते हैं। ये गैर हुनरमंद लोगों को मुल्क में घुसने नहीं देते। अलबत्ता अगर आप आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया में खुश आमदेद कहा जाएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हुकूमत को जहां आला तालीम याफ्ता और
पाए के हुनरमंद लोगों की ज़रूरत होती है, तो ये वहाँ गैर मुल्कियों को इमिग्रेशन का लालच देकर अपने यहाँ फिट कर लेती हैं, और जहाँ कम तालीम और मामूली हुनर से भी काम चल सकता है तो ये अपने लोगों को फ़ौक़ियत देती है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का 90% रकबा बेआबाद है। ये अगर चाहे तो अपने इस 90% रकबे में पाकिस्तान जैसे 10 ममालिक को आबाद कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से तकरीबन 9 गुना छोटा मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी तकरीबन 2,20,00,000 है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 6 टाइम जोन हैं, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक तकरीबन 3 घंटे का फ़र्क है। ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ और बहुत फ़र्क है। ख़ास तौर पे बेंगरू मुल्की आबादी से बहुत ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलियन गाय और भेड़ें दुनिया में पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यही वजह है सऊदी अरब में हर साल हज के मौके पर कुर्बानी के लिए सबसे ज़्यादा जानवर ऑस्ट्रेलिया ही एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गाय और भेड़ें दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं, लिहाजा इस वजह से सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स भी ऑस्ट्रेलिया में ही तैयार की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो का अख्तिताम यहीं पे करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Emu, dog, jellyfish, kangaroo, koala.